भारत एट नाइन काबेंद्र चौहान के साथ। नमस्कार, तो भारत एट नाइन में आपका स्वागत है। दर्शकों, आज की सुबह बड़ी कातिल थी और आज की शाम बड़ी महफिलाना थी। ये बात इसलिए कह रहा हूं क्योंकि जो आप देख कर अंदर घुसे हैं कार्यक्रम को देखने के लिए, उसमें एक बात थी। बात ये थी कि एक तरफ चल रही थी गोली और दूसरी तरफ योगी आदित्यनाथ की पूरी सरकार उत्तर प्रदेश में होली। ये बात मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि आज योगी आदित्यनाथ इंक्लूडिंग 52 सदस्यों ने आज मंत्री पद की शपथ ली है। मंत्री पद की, कोई राज्य मंत्री बना है, कोई मुख्यमंत्री बना है, कोई उप मुख्यमंत्री बना है, कोई राज्य मंत्री बना है। तो आज 52 लोग मंत्री बने हैं, 52 इफ आई एम करेक्ट। तो 52 मेंबर्स जो हैं आज मंत्री बने हैं। लेकिन ये जो बात मैं कर रहा हूं कि एक तरफ गोली चल रही थी तो एक तरफ सरकार योगी जी की होली थी, ये इसलिए कह रहा हूं और किस लिए कह रहा हूं ये बहुत जल्द आपको बताऊंगा, बहुत जल्द। लेकिन उससे पहले आज आपको एक बात बताता हूं। आज योगी आदित्यनाथ साहब, गृहमंत्री अमित शाह और मुख्यमंत्री, जिनकी बात बहुत हो रही है, शिवराज सिंह चौहान, मुख्यमंत्री उत्तराखंड पुष्कर सिंह धामी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, ये सभी लोग खुश थे, सभी लोग खुश थे। लेकिन कुछ लोग थे जो दुखी थे और वो जो लोग दुखी थे उनकी बात करना बहुत जरूरी है। दो लोग जो सबसे ज्यादा दुखी थे, दुखों का पहाड़ ऐसा टूटा कि क्या क्या नहीं टूटा, दिल नहीं टूटा कि क्या नहीं टूटा, क्योंकि भाई सत्ता का जो बड़ा सा जो भंडारण था वो जो हाथ से टूटा तो सपना टूटा। तो बात मैं कर रहा हूं यहां पर अखिलेश यादव की। अखिलेश यादव साहब यहां पर आज एक काम करने का फैसला किया। अखिलेश यादव साहब ने दिल पर पत्थर रखकर एक ट्वीट किया और पत्थर रखकर उन्होंने लिखा कि योगी आदित्यनाथ साहब को शपथ लेने की बहुत बहुत शुभकामनाएं, पूरे कैबिनेट को बहुत बहुत शुभकामनाएं। लेकिन जैसे ही पत्थर हटा उन्होंने कहा कि इकाना स्टेडियम तो हमने बनाया था और इकाना स्टेडियम में आपने शपथ ली, आप शपथ ये भी लीजिए कि आप जनता की सेवा करेंगे। तो जनता की सेवा करेंगे या नहीं करेंगे ये तो आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन एक और व्यक्ति था जो आज बहुत दुखी था और वो व्यक्ति ना तो सामने आया, ना ट्विटर पर आया, ना फेसबुक पर आया, ना यूट्यूब पर आया, ना इंस्टाग्राम पर आया। नाम है महामहिम कांग्रेस के बड़े नेता राहुल बाबा। तो राहुल बाबा आज कहां है? आज पूरा उत्तर प्रदेश पूछ रहा है कि कांग्रेस के सबसे बड़े नेता तथा कथित रूप से राहुल गांधी आज कहां है? तो राहुल गांधी जिनके ऊपर इतने सारे रिकॉर्ड हैं, योगी जी भी रिकॉर्ड बना रहे हैं, प्रधानमंत्री मोदी भी रिकॉर्ड बना रहे हैं और राहुल बाबा भी रिकॉर्ड बना रहे हैं। राहुल बाबा लगातार चुनाव जो हार रहे हैं इसका भी एक स्वर्णिम इतिहास है, इसका भी एक रिकॉर्ड है, इस पर बात होगी। लेकिन उससे पहले आपको बता दूं कि आज शाम को 4 बजे ओथ सेरेमनी, जिसको कहते हैं शपथ ग्रहण समारोह, उत्तर प्रदेश के राजधानी लखनऊ के इकाना स्टेडियम में हुआ। यहां पर 52 लोगों ने शपथ ली, सभी ने शपथ ली। आनंदीबेन पटेल यहां पर मौजूद थी, बड़े बड़े नेता मौजूद थे, लेकिन अखिलेश यादव साहब मौजूद नहीं थे। गेट नंबर 1 और गेट नंबर 2 से एंट्री थी तमाम नेताओं की, A to Z जो नेता थे उनकी एंट्री थी, लेकिन गेट नंबर 3 से एंट्री थी VIP नेताओं की, गाड़ियों की। कल से लेकर आज तक ये सभी नेता अपने सोशल मीडिया हैंडल्स पर, बाकायदा आपने देखा होगा कि किस तरीके से फोटो डाल रहे थे कि हमारे पास भी आया इन्विटेशन। और जिनके पास तो 3 नंबर गेट का इन्विटेशन था उन्होंने तो पूरा का पूरा प्रोफाइल पेज ही चेंज कर दिया, प्रोफाइल पिक्चर ही लगा लिया कि गेट नंबर 3 का VIP पास का इन्विटेशन है हमारे पास। ये सब बातें हो गई। लेकिन आज भारत एट नाइन में जो हम बात कर रहे हैं वो ये है दोस्तों कि क्या बाबा का बुलडोजर जो बता रहे थे बाबा की मेंटेनेंस पे गया है, जिसका स्क्रू ढीला हुआ था, टाइट होने गया है, वॉइलिंग होने गई है, ब्रेक ऑयल पड़ेगा उसमें, फ्यूल डलेगा उसमें, तो अब वो जब वापस आ गया है तो अब किन किन के ऊपर चलेगा, किन किन के ऊपर? पिछली दफा तो चल गया था मुख्तार अंसारी मऊ वाले, विजय मिश्रा साहब भदोही वाले, अतीक अहमद साहब प्रयागराज के पूर्व सांसद और सुंदर भाटी गौतम बुद्ध नगर, इन सभी के घरानों पर बुलडोजर चला था और ताबड़तोड़ चला था, एक एक ईंट को ऐसा तोड़ा कि इनका करियर तोड़ कर रख दिया, इन माफियाओं का करियर तोड़ कर रख दिया। लेकिन आज एक और चीज हुई है, 4 बजे शपथ थी और 4 बजे एनकाउंटर हो रहा था। आज
शाम को 4 बजे योगी आदित्यनाथ और उनके साथ मंत्रिमंडल शपथ ले रहा था, तो सुबह 4 बजे योगी जी की पुलिस गोलियां बरसा रही थी। 1 लाख के इनामी बदमाश राहुल सिंह को गोली मारकर जेल नहीं पहुंचाया बल्कि हेल में पहुंचा दिया। तो राहुल सिंह को गोली मार दी गई सुबह 4 बजे, सुबह के बज गए 4 और एनकाउंटर हुआ 1 लाख के इनामी बदमाश राहुल सिंह का। हसनगंज इलाके में एनकाउंटर हुआ है, अलीगंज ज्वेलर्स लूटकांड का आरोपी था जिसने एक व्यक्ति को गोली मार दी थी जिससे उसकी मौत हो गई थी। और सुबह 4 बजे योगी जी की पुलिस ने इसके भी एनकाउंटर कर दिया। तो ऐसे में जब सुबह के 4 बजे एनकाउंटर हुआ और शाम के 4 बजे शपथ ग्रहण हुआ, तो क्या ये एक तरीके से इशारा है कि अपराधी अब कोई नहीं तुम्हारा है, कोई नहीं है तुम्हारा? तो इन पर बात करेंगे, लेकिन उससे पहले आपको बता दें, क्योंकि अब आ गए हैं और आ गए हैं तो आ ही गए हैं, तो बता दें कि कौन कौन है जो आज मंत्री पद की शपथ लिया है, कौन कौन है। तो योगी आदित्यनाथ जी और इनके साथ 52 सदस्यों ने आज मंत्री पद की शपथ ली है। सबसे पहले योगी आदित्यनाथ साहब जो है वो मुख्यमंत्री बन चुके हैं, बुलडोजर दिख चुका है, एनकाउंटर हो चुका है, तो मतलब मुख्यमंत्री बन चुके हैं। इसके बाद केशव प्रसाद मौर्य उप मुख्यमंत्री, पहले भी थे, अब भी हैं और पहले भी थे। इसके बाद एक और नाम ब्रजेश पाठक साहब उप मुख्यमंत्री, पहले बसपा में थे, फिर कांग्रेस में थे, फिर इधर थे उधर थे, लेकिन अब 2017 के बाद से बीजेपी में थे और अब उप मुख्यमंत्री बने हैं। सूर्य प्रताप शाही साहब मंत्री बने हैं, सुरेश कुमार खन्ना साहब मंत्री बने। ग्राफिक्स मत चलाइए, कितने चलाएंगे ग्राफिक्स मत चलाइए, एक भी ग्राफिक्स मत चलाइए, सिर्फ नामों को चलने दीजिए, ग्राफिक्स मत चलाइएगा। तो स्वतंत्र देव सिंह मंत्री बने हैं, बेबी रानी मौर्य मंत्री बनी है, लक्ष्मी नारायण चौधरी साहब मंत्री बने हैं, जयवीर सिंह मंत्री बने हैं, धर्मपाल सिंह मंत्री बने हैं, नंदगोपाल गुप्ता नंदी ये भी मंत्री बने हैं, भूपेंद्र सिंह चौधरी मंत्री बने हैं, अनिल राजभर मंत्री बने हैं, जितेन प्रसाद ब्राह्मणों का चेहरा ये भी मंत्री बने हैं, राकेश सचान मंत्री बने हैं, अरविंद कुमार शर्मा ए के शर्मा ये नाम आप ज्यादा बेहतरी से जानते होंगे ये भी मंत्री बने हैं, योगेंद्र उपाध्याय मंत्री बने हैं, आशीष पटेल मंत्री बने हैं, संजय निषाद मंत्री बने हैं, नितिन अग्रवाल राज्य मंत्री बने हैं, स्वतंत्र प्रभार वालों की बात कर रहा हूं, और इसके साथ ही साथ कपिल देव अग्रवाल मंत्री बने हैं राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार, रविंद्र जायसवाल राज्य मंत्री, संदीप सिंह राज्य मंत्री, गुलाब देवी राज्य मंत्री, गिरीश चंद्र यादव राज्य मंत्री, धर्मवीर प्रजापति राज्य मंत्री, असीम अरुण साहब राज्य मंत्री, जेपीएस राठौर साहब राज्य मंत्री, दयाशंकर सिंह राज्य मंत्री, नरेंद्र कश्यप राज्य मंत्री, दिनेश प्रताप सिंह राज्य मंत्री, अरुण कुमार सक्सेना राज्य मंत्री, दयाशंकर मिश्र दयालु राज्य मंत्री, ये थे स्वतंत्र प्रभार वाले। अब बात करूंगा उनकी जो कि राज्य मंत्री हैं और किसी के अंतर्गत आएंगे, तो नाम है मंकेश्वर सिंह, दिनेश खटिक, संजीव गोंड, बलदेव सिंह ओलख, अजीत पाल, जसवंत सैनी, रामकेश निषाद, मनोहर लाल, मन्नू कोरी, संजय गंगवार, ब्रजेश सिंह, केपी मलिक, सुरेश साही, सोमेंद्र तोमर, अनूप प्रधान, प्रतिभा शुक्ला और राकेश राठौर और रजनी तिवारी, सतीश शर्मा, दानिश आजाद अंसारी, विजय लक्ष्मी गौतम, तो ये राज्य मंत्री है। तो आपको एक बढ़िया चेहरा बताता हूँ, दानिश आजाद अब ये बीजेपी का नया मुस्लिम चेहरा आपको देखने को मिलेगा, मोहसिन रजा साहब आउट और दानिश साहब हो गए इन, तो ये मुस्लिम चेहरा बीजेपी का नया आपको देखने को मिलेगा। लेकिन उससे पहले आपको बता दें कि आज जो बात कर रहे हैं वो इसी बात पर बात कर रहे हैं कि बुलडोजर का नैरेटिव बहुत चला और आज शाम को 4 बजे जब शपथ ग्रहण हुई तो सुबह के 4 बजे एनकाउंटर भी हुआ और बुलडोजर इससे पहले भी हमने देखा कि मेरठ में भी दिखा था, मेरठ में एक झलक दिखाई, लेकिन इस वक्त बुलडोजर सरपट दौड़ रहा है। सरपट कहां आप पूछेंगे, कहां? तो बुलडोजर सरपट दौड़ रहा है मध्य प्रदेश, मामा का बुलडोजर, तो मामा भी कम नहीं है, इधर बाबा हैं उधर मामा है, मामा बुलडोजर दौड़ा रहे हैं, चाबी लगा दी है, इंजन स्टार्ट है, बुलडोजर दौड़ रहा है, घर गिरा रहा है, किसका? तो दुष्कर्म का एक आरोपी था, उसका घर गिरा दिया बुलडोजर ने, आपको बता दें। तो ये काम किया शिवराज सिंह ने, तो शिवराज सिंह चौहान जो है वो भी पीछे नहीं है, बुलडोजर उन्होंने भी तैयार करवा लिया है। तो उत्तर प्रदेश में चमकता गाता बैंड बाजा बजाता बुलडोजर अब मध्य प्रदेश में भी खूब दौड़ रहा है, चल रहा है। लेकिन इस बुलडोजर की झलक सबसे अलग क्यों है, ये मैं क्यों कहता हूं, इसलिए कहता हूं क्योंकि प्रतापगढ़ में दर्शकों, प्रतापगढ़ के रेलवे स्टेशन पर एक रेप हुआ, दुष्कर्म की घटना हुई, जिसके बाद पूरी पुलिस की टीम आरोपी को पकड़ने में लग गई, आरोपी फरार, कोई नहीं पकड़ पाया, एक भी नहीं पकड़ पाया। लेकिन इसके बाद बुलडोजर पहुंचा घर के बाहर, आरोपी के बुलडोजर खड़ा था, आरोपी फरार था, पुलिस खाली हाथ खड़ी थी। लेकिन जैसे ही बुलडोजर ने चाबी स्टार्ट की, बुलडोजर ने थोड़ा सा अप डाउन किया, बस आरोपी सीधा
थाने में पहुंच गया और सरेंडर कर दिया। तो ऐसे में कई लोग आज पूछ रहे हैं, मेरे एक मित्र हैं कासगंज से, उन्होंने फोन किया, बोले कि भाई 52 लोगों ने शपथ तो ले ली, इंक्लूडिंग सीएम योगी आदित्यनाथ, 53 हो गए, लेकिन ये बुलडोजर ने शपथ नहीं ली। तो बुलडोजर में अगर जान होती तो आज वो शपथ जरूर लेता। और जिस तरीके से उन्होंने, बुलडोजर ने चुनाव में जो करिश्मा छाया है, अगर बुलडोजर में जान फूंक दी जाए तो आज बुलडोजर उप मुख्यमंत्री बना दिया जाता। तो इन सभी बातों पर बात करेंगे, लेकिन उससे पहले एक रिपोर्ट है, उस रिपोर्ट को आप देखिए कि क्या कहती है रिपोर्ट, क्या कहता है ये पैकेज। रिपोर्ट। योगी ने बदला यूपी का इतिहास, सत्ता से राजयोग तक, योगी से बुलडोजर बाबा की राह, सुर्खियों में बाबा का बुलडोजर, उत्तर प्रदेश में बुलडोजर बाबा। उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव में सीएम योगी के नेतृत्व में बीजेपी की शानदार बहुमत के साथ एक बार फिर से सत्ता में वापसी की। आबादी के लिहाज से देश की सबसे बड़ी सूबे उत्तर प्रदेश में करीब 37 साल बाद बहुमत से सरकार की वापसी हो रही है। मुख्तार अंसारी जैसे अपराधियों के खिलाफ जोरदार कार्यवाही करके बुलडोजर बाबा बने योगी आदित्यनाथ ने इस जीत के साथ न केवल विपक्ष का सूपड़ा साफ कर दिया, बल्कि पार्टी के अंदर अपने विरोधियों की बोलती भी बंद कर दी। योगी आदित्यनाथ, कर्म से राजयोगी, मर्म से हठ योगी और धर्म से कर्म योगी। कोई भी जब इतिहास लिखेगा तो लिखेगा कि साल 2022 में एक मठ के सन्यासी ने सियासत की हट के योग को ऐसा साधा कि राजयोग के चरणों में सत्ता का कालीन बिछा दिया और टूट गए दशकों के वो मिथक जिन्हें उत्तर प्रदेश की राजनीति ने गढ़ा। यूपी राजनीति के 71 साल के इतिहास में योगी आदित्यनाथ पहले एक ऐसे पूर्णकालिक मुख्यमंत्री हैं जिनका जनता ने दोबारा सत्ता अभिषेक किया। याद करना, हमने 5 साल के अंदर समाजवादी पार्टी के संरक्षण में पलने वाले पेशेवर गुंडे और अपराधियों के खिलाफ बिना किसी मान मनोबल के कार्रवाई की है। और मैं आपको आश्वासन देने के लिए आया हूँ कि बुलडोजर को मरम्मत करने के लिए भेज दिया हूँ। तो जिन लोगों में भी ज्यादा गर्मी निकल रही है भाइयों बहनों, ये गर्मी 10 मार्च के बाद अपने आप शांत हो जाएगी। हमने इतना तय कर लिया है, प्रदेश का एक जगह का गुंडा दूसरे जगह जाने की स्थिति में नहीं है आज के दिन पर। योगी आदित्यनाथ ने भगवा धारण किया, लेकिन सत्ता के राजधर्म का ऐसा पालन किया कि पुरानी कवायतें, रियायतें सब टूटकर बिखर सी गई और यूपी के इतिहास का नया अध्याय शुरू हो गया। चलिए बात करते हैं कि कहां कहां चला योगी का बुलडोजर। बता दें, इससे पहले नवंबर 2020 में बाहुबली मुख्तार अंसारी के गाजीपुर के गजल होटल पर योगी सरकार का बुलडोजर चला। 3-3 बुलडोजर मिलकर मुख्तार अंसारी के साम्राज्य को मलबे के ढेर में तब्दील कर दिया गया। इसके अलावा भी योगी सरकार मुख्तार अंसारी के कई अवैध निर्माण पर बुलडोजर चला चुकी है। मुख्तार अंसारी हो या फिर कानपुर का कुख्यात गैंगस्टर विकास दुबे, जो एनकाउंटर में मारा गया था, विकास दुबे के किले को भी बुलडोजर से ढहा दिया गया। बाहुबली मुख्तार अंसारी के गिरोह 111 करोड़ की संपत्ति जब्त हो गई। माफिया अतीक अहमद गिरोह की 355 करोड़ की संपत्ति जब्त हो गई और गैंगस्टर सुंदर भाटी गिरोह की 63 करोड़ की संपत्ति जब्त हो गई। वही अपराधी कुंटू सिंह की 18 करोड़ की संपत्ति पर योगी सरकार का शिकंजा कस चुका है। वह आपको बता दें कि साल 2017 में उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री बनने के बाद योगी आदित्यनाथ ने भूमाफियाओं के खिलाफ कड़े कदम उठाने के मकसद से राज्य में 4-स्तरीय एंटी भूमाफिया टास्क फोर्स का गठन किया। वहीं पिछले 5 सालों में राजस्व और पुलिस विभाग ने भूमाफियाओं के खिलाफ बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया।
बता दें कि बुलडोजर का असर मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान पर भी देखने को मिल रहा है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का रायसेन जिले में ही अलग तरीके का तेवर देखने को मिला। शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि गुंडे और बदमाशों के मकानों को खोद कर मैदान बना दूंगा, मामा का बुलडोजर चल पड़ा है और अब रुकेगा नहीं। वही उन्होंने गुंडे बदमाशों को सख्त लहजे में हिदायत दे दी कि गरीबों और कमजोरों को सतारा बंद कर दें या मध्य प्रदेश छोड़ दें। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज वर्ल्ड इंडिया। तो रिपोर्ट आपने देखी, रिपोर्ट में आपको बताने की कोशिश की कि किस तरीके से, आपको वो तो याद होगा, बिखरू कांड में किस तरीके से पुलिस वालों की निर्मम हत्या की थी एक बदमाश ने, कानपुर वाला विकास दुबे, मध्य प्रदेश से वो भी पकड़ा गया था। उसकी गाड़ी पलट गई, गाड़ी पलटती है, बुलडोजर चलता है, इनकाउंटर होता है। तो इस सरकार में तो दरअसल पिछले कार्यकाल में यही सब कुछ हुआ है, लेकिन गाड़ी जब से पलटी बुलडोजर खड़ा हो गया। इसके बाद बुलडोजर ने एक ऐसा नैरेटिव बनाया जिसका फायदा योगी आदित्यनाथ को हुआ। एनकाउंटर का जिक्र मैंने इसलिए किया क्योंकि एनकाउंटरों को लेकर योगी सरकार बहुत बहुत ज्यादा फेमस रही। इतने एनकाउंटर हुए कि कई दफा तो ऐसा लगा कि अब कोर्ट छुट्टी पर चली जाए, क्योंकि यहां तो सजा दरअसल जो योगी की पुलिस है वो एनकाउंटर के द्वारा ही दे रही है। लेकिन कई लोग उसको जस्टिफाई भी करते हैं कि एनकाउंटर ठीक है क्योंकि कानून जो इतने साल ले रहा है, मसलन आदमी जवानी में कांड करे और बुढ़ापे में नरक सिधार जाए और तब जाकर उसको फैसला सुना जाए, तो ये बड़ा लंबा है, इसको भी छोटा शॉर्टकट इसका कुछ ढूंढना पड़ेगा। लेकिन उससे पहले आपको बता दें कि आज जिस तरीके से फ्राइडे का दिन था और आपने पहले सुना होगा कि 21 तारीख का जो दिन था वो मुकर्रर किया गया था कि इस दिन शपथ ली जाएगी, लेकिन आज शुक्रवार का दिन है, आज शपथ ली गई। इसके कई लोग कई कई तरह के मायने निकाल लेते हैं। कुछ लोग तो ये भी कह रहे हैं दर्शकों कि आज योगी जी ने जो शुक्रवार को जो शपथ ग्रहण का समारोह रखा है तो इसको कहीं ना कहीं इसको लेकर मुसलमान भी अब खुश हैं, क्योंकि आज का जो दिन था वो था जुम्मे की नमाज का दिन। तो जुम्मे की नमाज का दिन और योगी जी ने इसी तारीख को शुक्रवार को ही चुना कि शपथ ग्रहण इसी दिन कराएंगे। तो कुछ लोग कह रहे हैं और बता रहे हैं कि मुसलमान भी अब खुश हैं कि जुम्मे की नमाज का दिन चुना गया, तो उनको भी कहीं ना कहीं खुशी मिली है कि हाँ, ये सबका साथ सबका विकास की जो बात कर रहे हैं कहीं ना कहीं उसको लेकर हर चीज ध्यान में भी रख रहे हैं। तो ये क्या है इसके पीछे नहीं पता, लेकिन कुछ राजनीतिक पंडितों का यह तंत्र है, यंत्र है क्या, इस पर बातचीत करेंगे। लेकिन उससे पहले कुछ विजुअल्स आपको दिखाएंगे, तस्वीरें आज की, कि किस तरीके से योगी जी ने शपथ ली, किस तरीके से उप मुख्यमंत्रियों ने शपथ ली। दो चार का दिखा दीजिएगा जरा, तो दो चार का बाइट चलाइएगा ऑन स्क्रीन। मैं आदित्यनाथ योगी ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्य रखूंगा। मैं उत्तर प्रदेश राज्य के मुख्यमंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा तथा मैं भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। मैं आदित्यनाथ योगी ईश्वर की शपथ लेता हूं कि जो विषय उत्तर प्रदेश राज्य के मुख्यमंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा, उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को सबके सिवाय, जबकि ऐसे मुख्यमंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों के सम्यक निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो, मैं प्रत्यक्ष अथवा प्रत्यक्ष रूप से संचूतित या प्रकट नहीं करूंगा। केशव प्रसाद मौर्य,
ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण रखूंगा। मैं उत्तर प्रदेश राज्य के उप मुख्यमंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धा पूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वाहन करूंगा तथा मैं भय या पक्षपात, अनुराग या देश के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। मैं केशव प्रसाद मौर्य ईश्वर की शपथ लेता हूं कि जो विषय उत्तर प्रदेश राज्य के उप मुख्यमंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब के सिवाय जबकि ऐसे उप मुख्यमंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों के सम्यक निर्वाहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो मैं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करूंगा। मैं ब्रजेश पाठक ईश्वर की शपथ देता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण रखूंगा। मैं उत्तर प्रदेश राज्य के उप मुख्यमंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतरकरण से निर्वहन करूंगा तथा मैं भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। मैं ब्रजेश पाठक ईश्वर की शपथ लेता हूं कि जो विषय उत्तर प्रदेश राज्य के उप मुख्यमंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब के सिवाय जबकि ऐसे उप मुख्यमंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों के सम्यक निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो मैं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करूंगा। तो शपथ ली थी योगी आदित्यनाथ ने, इनके साथ 52 मंत्री भी शामिल थे जिन्होंने शपथ ली। शपथ लेने के बाद क्या हुआ? शपथ लेने के बाद हुई मीटिंग। योगी आदित्यनाथ ने सभी अपने नेताओं के साथ मीटिंग की। इंडियन स्टैंडर्ड टाइम के हिसाब से अभी 9 से 9:30 के बीच का वक्त होगा। आपको बता दूं कि इंडियन स्टैंडर्ड टाइम के हिसाब से सुबह के 4 बजे एनकाउंटर हुआ था, जिस एनकाउंटर को लेकर मैं बार बार बात कर रहा हूं, क्योंकि सुबह का 4 एनकाउंटर और शाम का 4 वो था जब शपथ ग्रहण हुआ। शपथ ग्रहण हुई, मंत्रियों के साथ बातचीत हुई, आगे की रणनीति क्या रहेगी इसको लेकर चर्चा हुई, और जब चर्चा हुई तो खूब खर्चा हुआ। खर्चा किसका? विचारों का। तो विचारों का खर्चा हुआ है, आगे की रणनीति सरकार की क्या कुछ रहेगी ये देखने वाली बात रहेगी। लेकिन इस चीज को आप ध्यान रखिएगा कि 2017 से लेकर 2022 के बीच का जो योगी आदित्यनाथ का जो कार्यकाल था, इसमें सबसे ज्यादा जो फैक्टर चला वो चला सुरक्षा का। सुरक्षा के फैक्टर में जो सबसे ज्यादा जो उसको स्टेपनी प्रोवाइड कर रहा था वो था बुलडोजर फैक्टर। आपने बहुत सुना होगा कि जेसीबी के ऊपर जोक बनते हैं, बुलडोजर के ऊपर जोक बनते हैं, लेकिन पहली दफा ऐसा हुआ कि बुलडोजर को लेकर लोग बहुत सीरियस हो गए और बंपर वोट कर दिया, बंपर वोट। तो इसको लेकर ये हम आज जानने की कोशिश कर रहे थे कि एक बार फिर योगी आदित्यनाथ सरकार जब गठित हो गई है पूर्ण रूप से, तो अब ऐसे में कहां कहां बुलडोजर चलेगा, ये आपके निर्णय पर छोड़ता हूं। आप सोचिए इस पर, आप थोड़ा सा ध्यान लगाइए कि कहां कहां बुलडोजर चलना चाहिए और बताइएगा हमें कि कहां कहां बुलडोजर चलना चाहिए, कहां कहां, जहां जहां बुलडोजर बचा है वहां वहां बुलडोजर चलना चाहिए। लेकिन इसको लेकर सरकार को निर्णय लेना है कि किनको किस तरह से सजा देनी है और किनको किस तरह से सजा नहीं देनी है। आम जनता तो बस ये चाहती है कि सुरक्षा जितनी ज्यादा मिल सके, सुरक्षा जितनी बेहतर रूप से मिल सके उतना बेहतर, महिलाएं रात भर कहीं भी आ जा सके उतना बेहतर, एक व्यापारी रात में भी अपना गल्ला लेकर अपने निवास स्थान तक जा सके अपने प्रतिष्ठान से सुरक्षा के साथ उतना बेहतर। तो उतना बेहतर बेहतर आज बन गई सरकार। मंत्री थे 52 और मुख्यमंत्री थे 1 योगी आदित्यनाथ। इसी को लेकर आज चर्चा थी, इसी को लेकर बातचीत की कि अब कानून व्यवस्था किस ढर्रे पर चलेगी, कानून व्यवस्था किस हिसाब से चलेगी, और कानून व्यवस्था में क्या बुलडोजर का रोल सबसे ऊपर रहेगा या फिर डीजीपी साहब का रोल और कानून की किताब सबसे ऊपर रहेगी। फिलहाल के लिए शुक्रिया।
देखिए भारत एट नाइन काबेंद्र चौहान के साथ।